नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बाइकर्स गैंग के बदमाशों ने इन दिनों जिले में उत्पात मचा रखा है, लेकिन किसी भी मामले में रिवा पुलिस को सफलता नहीं मिली है। बीती रात्रि बाइकर्स गैंग के बदमाशों ने सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम मरैला के समीप दो युवकों पर प्राणघातक हमला करते हुए 5,000 रुपए सहित उनकी बाइक लूट कर फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिरमौर पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गाड़ी लूट ली, मोबाइल लूट ली, घटना के संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विश्वनाथ साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र विपिन और भतीजा सिद्धमणि साहू इलाहाबाद मोटर पंप बनवाने गए हुए थे, जहां से बीती रात्रि बाइक से दोनों वापस आ रहे थे। इस दौरान रात्रि तकरीबन 9 बजे जैसे ही सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम मरैला के समीप पहुंचे, तभी बाइक से आए 4 से 5 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और जब तक दोनों कुछ समझ पाते तब तक उनके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया। विश्वनाथ साहू ने बताया कि घटना के दौरान दोनों युवक अचेत होकर मौके पर गिर गए, जिसके बाद आरोपियों ने 5,000 रुपए नगद और बाइक छीन कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद जब उनके भतीजे को होश आया तो उसके द्वारा पास के बने घरों में जाकर घटना के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सिरमौर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से दोनों को रीवा रेफर कर दिया गया है। विश्वनाथ साहू ने बताया कि बदमाशों द्वारा किए गए हमले में उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि भतीजे को भी चोटें आईं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, बाइकर्स गैंग का आतंक मचा हुआ है। लूट चोरी जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा हुआ है। किसी भी मामले में पुलिस को अभी तक सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। तहसील चमरिया का रहने वाला, मेरा बालक इलाहाबाद गया और मेरा भतीजा साथ है। इलाहाबाद से मोटर का पल्ला खराब हो गया था, उसको बनवा करके 9 बजे के लगभग 10 बजे में फोन लगाया, फोन नहीं उठाया, तब मुझे शंका हुई। इसके बाद ये इनको इनकी गाड़ी छुड़ा के ले गए हैं और 4-5 लोगों की संख्या में वो लोग थे, मारपीट में वहीं बेहोश पड़े थे। इसके बाद जो छोटा वाला भतीजा था उसको कम चोट थी, किसी बहाने से उठ के लोगों को बताया, 100 नंबर आई, पुलिस आई, सिरमौर गए, सिरमौर के रेफर ये हमारे लड़का की बहुत नाजुक। दो लोग थे, कौन से थाना क्षेत्र में घटना घटी है? सिरमौर। आप पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष थे? सदस्य। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 6। नाम क्या था? विश्वनाथ साहू, मेरे लड़के का नाम विपिन। और भतीजे का? जी, भतीजे का क्या नाम है? सिद्धमुन साहू। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सिद्धमुन साहू बरहा रहता है, हम नवतर।